बढ़ते कोरोना मामले को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 6 दिनों की लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। लॉकडाउन आज रात यानी सोमवार रात 10 बजे से अगले सोमवार सुबह तक के लिए लागू कर दिया गया है। हालांकि एसेंशियल सर्विस में जुटे लोगों को इस लॉकडाउन से राहत मिलेगी। शादी विवाह में 50 लोगों से ज़्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे, इसकी अनुमति भी DM ऑफिस के द्वारा दी जाएगी। हालांकि इस लॉकडाउन के द्वारा दिल्ली मेट्रो का परिचालन होता रहेगा, DTC बस चलती रहेगी, पर 50% से ज़्यादा लोग इस परिचालन के दौरान शामिल नहीं हो सकते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि जिस तरह से लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं वो एक चिंता का सबब स्टेज के लिए बना हुआ है और लगातार ICU बेड जो हैं दिल्ली में वो कहीं ना कहीं समाप्त होते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बात की भी चिंता जताई कि हर एक चीज़ का लिमिट होता है, डॉक्टर्स के भी काम करने की लिमिट है, अस्पताल की भी एक क्षमता है। ऐसे में लगातार अगर मामले बढ़ते जाएंगे तो चीज़ें चरमरा सकती है, ध्वस्त हो सकती है। इन सभी को देखते हुए फिलहाल 6 दिनों का लॉकडाउन जो है दिल्ली में लगा दिया गया है। बड़ा अपील मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवासी मजदूरों से भी किया कि फिलहाल 6 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया है, इससे कोई भी प्रवासी मजदूर दिल्ली छोड़कर ना जाए। एक छोटा लॉकडाउन जो है दिल्ली में फिलहाल लगाया गया है, उनको जो भी सुविधाएं चाहिए या उनको काम चाहिए इस लॉकडाउन के दौरान उनको मिलती रहेगी, इसलिए वो प्रवासी मजदूर दिल्ली छोड़कर दूसरे राज्यों में नहीं जाएं। हालांकि एक छोटा लॉकडाउन है और मुख्यमंत्री ने चिंता भी जताई है और लोगों से अपील भी की है कि इस लॉकडाउन में लोग सहयोग करें ताकि इस कोरोना के चेन को फिलहाल मात दिया जाए, क्योंकि लगातार जिस तरह से आंकड़े कोरोना के बढ़ते जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा घातक साबित होते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अगर तस्वीर देख लें तो लगातार लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लोगों की जान जा रही है। तो ऐसे में चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिलहाल 6 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की है और उन्होंने ये भी बताया कि इस लॉकडाउन के बाद भविष्य में हो सकता है कि लॉकडाउन ना लगाना पड़े, इसलिए एक छोटा लॉकडाउन दिल्ली में फिलहाल लगाया जा रहा है। कैमरामैन राहुल के साथ रवि सर्राफ, भारत समाचार, दिल्ली। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम चोपड़ा है जी। चोपड़ा जी, आज रात 10 बजे से लॉकडाउन की घोषणा कर दी है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, अगले सोमवार तक 6 दिनों का लॉकडाउन। क्या लगता है जिस तरह से चेन बढ़ते जा रहा है, मामले बढ़ते जा रहे हैं कोरोना का, इस लॉकडाउन से जीत हासिल होगी, आंकड़े कम होंगे? बिल्कुल आंकड़े कम होंगे। देखो जी, चेन टूटेगी इससे, क्योंकि अभी क्या लोग जो है ना, जब लोगों को वो मौका मिलता है निकलने का, हमारे जैसे लोग ही, हम औरों की क्या होता है, लापरवाही कर जाते हैं। देखो मास्क को जो यंग जनरेशन मैंने देखा खासतौर से, मास्क उतार के और वो घूमने लग जाते हैं, बैठ जाते हैं, फिर सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं हो रहा। तो इससे ये है कि थोड़े आंकड़े कम होंगे और मुझे लगता है कि ये खाली अभी जो 6 दिन का है ये मतलब कर्फ्यू जो है, हो सकता है शायद एक्सटेंड भी करना पड़ जाए 5-6 दिन। तो इससे हेल्प मिलेगी, बिल्कुल डेफिनेटली मिलेगी, क्योंकि एक यही तरीका रह गया और कोई तरीका नहीं है। आप देखोगे इसमें थोड़ा सा उनको ये भी है कि थोड़ा एक टाइम भी मिल जाएगा, जो केसेस अभी पीछे आए, जो बेड्स की कमी हो रही है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी हो रही है, उसका भी एक अरेंजमेंट कर लेंगे, उसका भी एक मौका मिल जाएगा, तो फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। थोड़ा सर, मुख्यमंत्री ने ये भी लोगों से अपील की कि इस लॉकडाउन में सहयोग करें और उन्होंने ये भी कहा कि लॉकडाउन के उपक्षधर नहीं है, पर उनको ये लगता है कि लॉकडाउन से जो स्पीड जो बढ़ रही है, एक तरह से कोरोना की जो आंकड़े लगातार बहुत तेज़ी बढ़ रहा है, उसे हराया जा सकता है, उसे रोका जा सकता है, उस चेन को तोड़ा जा सकता है? हाँ नहीं, बिल्कुल चेन को तोड़ा जा सकता है। देखो एक ऐसा है, देखो हमारी जो पब्लिक है ना, देखो प्रशासन जो है ना अपना काम कर रही है, और प्रशासन को भी है ना थोड़ी टेस्टिंग और बढ़ानी पड़ेगी। प्रशासन की कमी पहले ये रही है कि जब केसेस दिल्ली में कम हो गए, पहले दिसंबर से कम होने शुरू हो गए, तो उन्होंने टेस्टिंग डिक्रेज कर दी। टेस्टिंग जो है ना कम से कम अब 1,00,000 से ऊपर की टेस्टिंग हो रही है। उन्होंने टेस्टिंग धीरे धीरे 47,000 पे ले आए, कभी 50,000 ले आए। तो ये जो है ना रेगुलर बेसिस पे 1 से 1.25 लाख की डेली टेस्टिंग होनी चाहिए, जब भी होगा, चाहे वो केसेस कम आ रहे हैं या ज़्यादा आ रहे हैं। और दूसरा, पब्लिक को भी है ना कोऑपरेट करना पड़ेगा, पब्लिक की भी बहुत बड़ी कमी है इसमें, यंग खास तौर से यंगस्टर्स की, कि वो मास्क डालें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, उसी से जो होगा होगा, बिल्कुल वही एक वे आउट है और कोई वे आउट नहीं है। और बाकी प्रशासन अपना काम कर रही है, जो मैं कह रहा था जो मेडिकल फैसिलिटी की शॉर्टेज हो रही है, बेड्स की, वो अरेंजमेंट हो जाएगा, वो भी अरेंज हो जाएगा, तो सब कुछ हो जाएगा। लगता है केंद्र को भी अब दखल देना चाहिए, नरेंद्र मोदी को भी कुछ कड़े कदम और बड़े कदम, बिल्कुल देखना चाहिए, केंद्र को भी देना चाहिए। देखो केंद्र की भी कमी है, अभी वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हो रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं वहाँ पर? वेस्ट बंगाल में मैं सिर्फ केंद्र को ही नहीं कहता, मैं निशाना बांधता हूँ हर पॉलिटिकल पार्टी में, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे TMC हो, चाहे BJP हो,
सब जाके वहाँ पर है ना रैलियाँ कर रहे हैं। और अभी कल राहुल गांधी का बयान आया कि हम जो है ना अब कोई रैली नहीं करेंगे। ये राहुल गांधी जी का बयान भी बस ये वो भी एक अपॉर्चुनिस्ट है। मैं बताऊँ उन्होंने पहले चार रैलियों में असम में कितनी चार जो अभी असम में इलेक्शन हुए खूब रैलियाँ करी जमा के। वेस्ट बंगाल में तो पाँचवें जो पाँचवा चरण का जब इलेक्शन हुआ जब आए हैं वो, तो राहुल गांधी की मैं बात को कोई ना इतनी अहमियत नहीं देता। लेकिन ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। अभी यूपी में भी पंचायत के और ग्राम पंचायत के इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ भी यही हो रहा है। उनको कड़े मतलब से कड़े कदम उठाने चाहिए, इनको रोकना चाहिए बिल्कुल। अगर कोई बंदा स्पीच दे रहा है, चाहे अमित शाह है, चाहे मोदी जी है, चाहे ममता बनर्जी, अगर वहाँ लोग आए हुए हैं बिना मास्क के बैठे हुए हैं, तो उनको पहले ही कहना चाहिए आप मास्क लगा लो या फिर याद जाओ यहाँ से। इस तरह के जो है ना स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे।